बीजेपी की नहीं आनी चाहिए, बाकी किसी की भी आ जाए गरीब आदमी। बाकी नहीं तो अभी 2014 से लिया जाए तो 2014 के हिसाब से तो डबल हो चुका है। दिल्ली में क्या कहते केजरीवाल की सरकार आई थी तो डाउन हुआ था एक बार। देखिए हमारे बच्चे पहले भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़े दिल्ली में, तो पहले की जो व्यवस्था थी और अब की जो व्यवस्था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब गरीब आदमी और गरीब जनता के साथ जो एक जुड़ाव होता है कि भाई कौन जुड़ के चल रहा है, तो वो तो इसमें कोई नो डाउट केजरीवाल ने। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली INA के मेट्रो स्टेशन के बाहर और हमारे साथ कुछ मौजूद हैं ऑटो वाले, तो आइए हम इनसे बात करते हैं महंगाई को लेकर, इनके क्या विचार हैं। आपका नाम? बीपी सिंह, विजयपाल सिंह। तो महंगाई को लेकर, जैसे आप ऑटो चलाते हैं तो CNG डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो इसे लेकर आप क्या बोलते हैं? मैडम दाम तो पिछले 1.5-2 साल से तो बहुत इंक्रीज हुए हैं। बाकी नहीं तो अभी 2014 से लिया जाए तो 2014 के हिसाब से तो डबल हो चुका है हर चीज का। 2014 मतलब जब से बीजेपी की सरकार आई है? बीजेपी की सरकार ही मान लो, उससे पहले भी एक बार बढ़ा था मगर क्या कहते हैं उसके बाद फिर डाउन हुआ था। जब दिल्ली में क्या कहते हैं केजरीवाल की सरकार आई थी तो डाउन हुआ था एक बार जंप किया था, 50 से ऊपर चला गया था, फिर डाउन हुआ 35-36 के बाद, फिर 40-45 पे अटका हुआ था। लेकिन 2014 के बाद तो अभी 85-86 तक पहुंच गया, अब जाके 76-77 पे है। केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं? हाँ, केजरीवाल सरकार से हम खुश हैं। क्या क्या उन्होंने विकास कराया है, क्यों खुश हैं आप? देखिए हमारे बच्चे पहले भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग खुद भी सरकारी स्कूल में पढ़े दिल्ली में, तो पहले की जो व्यवस्था थी और अब की जो व्यवस्था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का, मेरी बेटी खुद अभी क्या कहते हैं 2 साल पहले 12th पास किया उसने 97% से सरकारी स्कूल से, अब वो ग्रेजुएशन कर रही है कॉलेज में, उसका फाइनल ईयर है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है, स्वास्थ्य में भी बढ़िया काम करा है, ऐसा नहीं है। और बिजली पानी जो हमें राहत देने वाली चीज़ें हैं वो तो राहत दे ही रही है। मतलब गरीब आदमी और गरीब जनता के साथ जो एक जुड़ाव होता है कि भाई कौन जुड़ के चल रहा है, तो वो तो इसमें कोई नो डाउट केजरीवाल ने बहुत काम करा है। केंद्र सरकार ने तो करा है, राशन वासन के लिए करा है, लेकिन वो उनके लिए करा है जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है वो तो महंगा ही खरीद रहे हैं ना। तो दिल्ली में तो मैक्सिमम लोग किराए पर रहते हैं उधर उधर आके, तो उनको तो वो फैसिलिटी मिल नहीं रही। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार लगता है आपको बनती है? बीजेपी की नहीं आनी चाहिए, बाकी किसी की भी आ जाए गरीब आदमी के लिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है उनके, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में 4 सीटें की कवर की है, जो भी है कि 4 मिले 3 मिले जो भी, जो आपस में उनका हुआ है गठबंधन, हम तो खैर केजरीवाल को ही वोट देंगे, हमारे यहाँ से तो केजरीवाल को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार बनते देखना चाहते हैं और केजरीवाल को ही वोट देंगे। और जो CNG के रेट बढ़ रहे हैं इसको लेकर आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में CNG के रेट हैं, और CNG क्या है कि परिवहन की जो व्यवस्था है, चाहे लोडिंग का है, चाहे हम लोग क्या कहते हैं ये पैसेंजर वाले वाहन चलाते हैं, इससे क्या होता है कहीं ना कहीं जनता को ही फर्क पड़ता है। लोडिंग से क्या होता है महंगाई बढ़ती है, कोई ट्रांसपोर्ट में अगर कोई माल आएगा CNG बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा लोडिंग का चार्ज बढ़ेगा, तो जनता को बर्डन पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। ऐसी CNG की वजह से क्या कहते हैं रेट हम लोगों का किराया बढ़ गया, लेकिन पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है, पब्लिक किराया देना नहीं चाहती, जो हमारा बढ़ा हुआ किराया वो देना नहीं चाहती, पुराने रेट भी जाना चाहती है पब्लिक, तो CNG की वजह से दिक्कत तो हुई है, बहुत तगड़ी दिक्कत हुई है। CNG के रेट बढ़ने नहीं चाहिए थे, नॉर्मल रहने चाहिए, आज के मतलब टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 के नीचे ही रहना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में 76-78-80 के करीब है, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे महंगाई बढ़ रही है तो CNG के रेट दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, तो आपको भी परेशानी होगी इससे क्या? मैडम क्या कहते हैं कि महंगाई तो CNG और पेट्रोल डीजल की बेस ही बढ़ रही है ना, क्योंकि ये चीज़ बढ़ेगी तो इससे तो सारी ट्रांसपोर्ट पे हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा, और बच्चों की किताब कापी भी आएगी कहीं से छप के आती है तो उसका भी लोड बढ़ेगा, हर चीज़ में रेट तो इसी की वजह से बढ़ता है CNG पेट्रोल और डीजल। अगर यही अगर डाउन रहेगा तो ऑटोमेटिकली रेट सबके डाउन रहेंगे, पर ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का रेट कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सस्ते महंगाई कम होगी। ये तो नॉर्मल का फार्मूला है जो कि हर किसी के समझ में, सेंट्रल गवर्नमेंट की समझ में तो नहीं आएगा, बाकी पब्लिक की समझ में आता है, गरीब जनता की समझ में तो आता ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने यहाँ के लोगों से बात किया और उनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की सरकार बनते देखना चाहते हैं, केंद्र सरकार की नहीं, और उनका यही कहना है कि दिन ब दिन जो CNG के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसको कम किया जाए, 50 रुपए से कम किया जाए, उनका ये कहना है। इसी के साथ मैं अंकिता सिंह, कैमरा पर्सन शिखर के साथ न्यूज़ बन।